सब्सक्राइब कीजिए शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, आज मैं ले गया आपके लिए नई सर्वे न्यूज, बहुत लेटेस्ट न्यूज है यहाँ, तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहली न्यूज़ है ये एप्पल की तरफ से, एप्पल ने शुरू कर दिया अपना फ़ोन बनाना, जो फ़ोन होगा 6.1 इंच का, आईफोन एक्स जैसा दिखेगा, फोटोज आपके सामने हैं, ऐसा कुछ होगा ये फ़ोन, जो सबसे बड़े वाला फ़ोन है वो है 6.1 इंच का, ऐसा कुछ आएगा। इसकी प्राइसिंग कह रहे हैं शायद करे 8 प्लस के बीच में लॉन्च, तो देखते हैं कैसा रहेगा ये फ़ोन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसे लगा इसके लुक वाइज, तो क्या आप पसंद कर रहे हो इसको। तो अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ मोबाइल मार्केट की तरफ से, मोबाइल मार्केट से पता चला कि 2017 का जो मोबाइल के सर्वे थे उसमें चाइनीज़ मतलब चाइना के मोबाइल बहुत ज़्यादा मार्केट कवर कर लिए, 53% चाइना के फ़ोन इंडिया में सेल परचेज हुए हैं, तो ऐसा कुछ चल रहा है। मगर जो ये मेक इन इंडिया क्या है, मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक प्रोसेस है, यहाँ असेंबल करे जाते हैं फ़ोन, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो तो होती ही है चाइना में, मगर यहाँ असेंबल हो जाते हैं, तो पहले सारा फ़ायदा जाता था जो चाइना को, अब थोड़ा बहुत फ़ायदा इंडिया वालों को भी होता है, क्योंकि वर्कर्स बढ़ रहे हैं, मतलब जो जॉब्स वगैरह बहुत बढ़ रही है इस वजह से, तो देखते कैसा रहता है ये। आप मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगता है चाइनीज़ फ़ोन जो आया, जितने भी ये कंपनियाँ हैं आजकल ज़्यादातर जो इंडिया में चल रही वो चाइना से ही आती है, तो मेरे को ज़रूर बताएं आपके क्या ओपिनियंस इसके बारे में। तो अगली न्यूज़ आ रही है शोमी की तरफ से, शोमी ने जो लॉन्च किया था 14 टाइप का अपना LED, वो आने वाला है 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे ऑनलाइन मार्केट में, मतलब MI के वेबसाइट पे ऑफिशियल पे आप वहाँ जाके परचेज कर सकते थे 40,000 में, मतलब 39,999 का आपको ये पड़ेगा, आप परचेज कर सकते डायरेक्टली 2 PM को लगेगी सेल, ध्यान रखिए। अब तो शौक भी होगा क्योंकि बहुत जल्दी बिकेगा ये, जिस हिसाब से है ये वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट मतलब सबसे पतला LED है अभी तक का, और 4K और HDR के साथ, तो आप मेरे को जरूर बताएं आपको क्या आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में। तो अगली न्यूज़ आ रही है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला के जो लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे G5 सीरीज, वो अब आ रही है G6 सीरीज, मतलब G6, G6X, G6X प्लस, ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा थोड़े दिनों में ही आपकी मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में ही आएंगे। तो जिस हिसाब से धूम मचाई थी G5 ने पिछले साल, मतलब बहुत सारे बिके थे इसके G5, G5S प्लस, G5S, तो अब आ रहे G6 सीरीज, तो मुझे ज़रूर बताएं आपको G5 सीरीज कैसी लगी थी और G6 सीरीज के बारे में सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगली न्यूज़ है शोमी रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 5 जो लॉन्च कर रहा था 14 फरवरी को शोमी ने, वो आने वाला है 22 तारीख को 12 बजे सेल लगने वाली है उसकी MI के साइट पे और लगेगी फ्लिपकार्ट पे। जो पहला वेरिएंट होगा 3GB 32GB वो आपको बोलेगा 9999 का, और जो दूसरा वेरिएंट होगा 4GB 64GB वो आपको पड़ेगा 12999 का और 11999 का, जाके परचेज कर सकते हैं आप ऑफिशियल साइट पे MI के। ये सिंगल कैमरा होगा इसमें, 625 प्रोसेसर होगा और स्क्रीन जो नहीं आई है 18:9 रेशियो वो होगी। और अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ोन के बारे में, जो दूसरा फ़ोन लॉन्च होने वाला रेडमी का नोट 5 प्रो, वो भी आएगा 12 बजे ही 22 तारीख को, उसकी कुछ प्राइसिंग होगी इस तरह, उसका आपका पहला वेरिएंट पड़ेगा 13999 का और जो दूसरा वेरिएंट पड़ेगा वो 16999 का। जो पहला वेरिएंट है वो आपको पड़ेगा 4GB 64GB और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो होगा 6GB 64GB, तो ऐसे कुछ हो गए ये। तो आप जाके परचेज कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे, आप अभी से अपनी नोटिफिकेशन ऑन भी कर सकते हैं अपने फ़ोन आपने परचेज करना है। इसमें डुअल कैमरा होगा और 636 जो अब तक का सबसे नया प्रोसेसर होगा आपको किसी फ़ोन में नहीं मिलेगा, ये प्रोसेसर आने वाला है। MI रेडमी ने पहला फ़ोन लाया है जो 6GB वेरियंट में होगा, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है ये फ़ोन, कौन सा लोगे आप, 5 और 5 प्रो। अगली न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का फ़ोन लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, S9 और S9 प्लस मार्केट में आ जाएगा बहुत जल्द ही, तो जैसे कि कह रहे हैं S9 प्लस का क्या पता दूसरा वेरिएंट आए 512GB, मतलब 512GB की, मतलब देखते हैं कैसा रहता है ये फ़ोन, मुझे ज़रूर बताया क्या डुअल कैमरा होगा या नहीं। तो इसके वेरिएंट कुछ ऐसे भी आ सकते हैं 64GB, 128GB, 256GB और 512GB, देखते हैं कैसा रहता है ये फ़ोन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपके क्या ओपिनियन है, अगर आप कौन सा फ़ोन परचेज करेंगे और कौन सा वेरिएंट आपको सही लगेगा।
तो अगली न्यूज है एमआई की तरफ से, एमआई मी मिक्स आने वाला है, मी मिक्स 2S आने वाला है बहुत जल्दी। ये कुछ ऐसे मतलब इसका पता चला है कि फुल HD डिस्प्ले प्लस होगा इसमें और 18.9 रेशियो और 3400 mAh बैटरी और शायद आउट ऑफ बॉक्स ओरियो अपडेट मिलेगा इसके अंदर, और जो कि ओरियो अपडेट मिले या कौन सा भी, मगर इसमें तो UI तो MI का ही लगेगा। और जो दूसरी बात हो रही है प्रोसेसर की बात करें, जो मेन बात है जो प्रोसेसर इसका होगा 845 प्रोसेसर, जो लेटेस्ट चल रहा है अभी स्नैपड्रैगन का, वो प्रोसेसर होगा इसमें। तो देखते हैं कैसा रहता है ये फ़ोन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपने मी मिक्स 2 लिया है और मी मिक्स 2X के बारे में सुनकर कैसा लगा। कह शायद 8 GB की इसकी रैम होगी और 256 GB शायद स्टोरेज हो इसकी, तो मुझे ज़रूर बताएं आपके ओपिनियंस है, आप क्या सोचते हो इस फ़ोन के बारे में, अगर आपने मी मिक्स 2 लिया है और 2S लेने वाले हैं तो आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं लेकर और सर्वे न्यूज़ कड़ाके चाय वाले मसालेदार। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल, और बने रहे हमारे साथ लेटेस्ट सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।